इस वक्त सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है, सीधा हम रुख करते हैं। और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी, उन्होंने नोटिस किया कि दो टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेज ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी।